सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा दसवीं का जो आपका गणित का पेपर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा पूरा आपका पेपर आ चुका है। सो इस वीडियो में आप अगर इस पेपर को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ ले तो गाइस आपके अच्छे मार्क्स आ जाइए। चलिए गाइस यहाँ पर आपका जो पेपर है सॉल्यूशन सहित कम्प्लीट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले और आपके टोटल प्रिंटेड पेज है तो जो है 15+1 ब्लैंक है। इसके बाद आपका ए सेट का पेपर है तो गाइस ए सेट का पेपर कम्प्लीटली देखेंगे। ए आपका सीरियल नंबर रहा तो गाइस ये सीरियल नंबर देख लीजिए यहाँ पर J509 आपके पेपर कोड रहने वाला है। तो गाइस चलिए इसे अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। इसके बाद आपके पास जो है टाइम 3 आवर्स का रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलने वाला, देख लीजिए हिंदी में आपके निर्देश है, इंग्लिश मीडियम में भी आपके निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आपका जो गणित का पेपर है उसका गणित सब्जेक्ट के पेपर का कोड है वो 100 है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए आपका पेपर कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहेगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। तो इस आपको अच्छी तरीके से इन्हें याद कर लेना होगा। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो है अच्छे अंक आ जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, देख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर के हैं, 6 नंबर के सही विकल्प है। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। पहला देख लीजिए, पहला है HCF 91:21 है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, इसका जो HCF हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, समीकरण निकाय S+2Y+5=0 और 3X-6Y+1=0 का हल होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्वितीय हल। सो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आद्वितीय हल। सो ये आपका पहले का ए जो है पहले का डी हो जाएगा, दूसरे में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद AX2+BX+C के शून्य अंकों का योगफल होगा, कितना होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका -B/A हो जाएगा। सो गाइस सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण X2-4X+4=0 के विभक्तर का मान होगा। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके 0 विभक्तर का मान होगा 0 हो जाएगा। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको आज सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन पेपर है इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो गाइस स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन जो ए ऑप्शन दिया हुआ 1, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रहता है छठवां क्वेश्चन है बिंदु 0-5 एवं -5 और इसका जो छठवीं का राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें आपको बीच की दूरी हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा, चौथे में भी सी हो जाएगा, इसके बाद पांचवें में ए हो जाएगा, इसके बाद छठवीं में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो वैसे हमने आपके राइट के चिन्ह लगा दिए, वही आपके राइट आंसर है। चलिए अब आपके देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, ये रहे आपके इंग्लिश मीडियम में। तो इस अच्छे तरीके से इन्हें देख लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम में। तो इस इंग्लिश मीडियम, चलिए अब आपके नेक्स्ट आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो इस अच्छे तरीके से देखते चलना, सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और आपको इसी वीडियो को कम्प्लीटली इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना। देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ले, पहला है त्रिघात बहुपद के डॉट शून्य अंक होंगे, कितने होंगे यहाँ पर 3 होंगे। तो यहाँ पर लिख देते इसका आंसर, इसमें 3 लिख देना। दूसरा है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, द्विघात सूत्र के रूप में। तो इसमें क्या लिख देना है आपको, द्विघात लिख देना, सॉरी अच्छे तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, द्विघाती सूत्र। सो गाइस इसमें लिख देना द्विघाती सूत्र, ये आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा समांतर श्रेणी 5, 10, 15 डॉट का दसवां पद है। सो गाइस इसका दसवां पद है कौन सा है, 50। सो गाइस इसमें आपको 50 लिख देना है। इसके बाद चौथा है सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, तो गाइस यहाँ पर इसमें लिख देना है समबाहु।
तो गाइस यहाँ पर इसका लिख देना है समबाहु, जो है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सो गाइस इसके बाद आ जाता है पांचवा, एक से निश्चित घटना की प्रायिकता डॉट डॉट होती है, कितनी होती है एक होती है, तो गाइस इसमें आपको एक लिख देना। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां रिक्त स्थान, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र डॉट डॉट है, क्या है पाई आर स्क्वायर। सो गाइस इसमें लिख देना पाई आर स्क्वायर। तो गाइस ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके छह नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। तो गाइस जल्दी से फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर अब आपके इंग्लिश मीडियम में है, तो गाइस जल्दी से फटाफट इंग्लिश मीडियम में इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हो तो देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट आपके देख लीजिए, नेक्स्ट आपकी सही जोड़ियाँ, चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ देख लेते हैं आपकी। तो गाइस ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, चलिए फटाफट इनका मिलान कर लेते हैं। तो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो आंसर भी है हम आपको आंसर भी साथ में बता चलते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला है आपका देख लीजिए सही जोड़ी मिलाना है छह नंबर की, पहला है और देख लीजिए खंड आ और बा से आपको मिलाना है, खंड पहला देख लीजिए पहले का आपको मिला देना है, पहले का आपको जे नंबर आई जे से मिला देना है। तो इसमें से पहला आपका यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा देख लीजिए ए रहा आपका दूसरा, सो गाइस इसका आपको जी नंबर से मिला देना है कॉट ए से, तो गाइस ये आपका दूसरे से मिल जाएगा, तीसरा मिला देना है आपको ए नंबर से, सो गाइस यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आपको मिला देना है। इसके बाद चौथा आ जाता है घनाभ का आयतन, सो गाइस घनाभ का आयतन हो जाएगा यहाँ पर चौथा से सी से, सो गाइस चौथा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए थ्री, सो गाइस इसमें पांचवा मिला देना है। इसके बाद आ जाता है छठवां जो लास्ट है वो इसका मिला देना है डी नंबर से, सो इसे आपका छठवां मिल जाएगा। सो इसे आपकी सही जोड़ियां मिल जाएंगी, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर जो हमने आपकी नंबरिंग कर दी है उसी के हिसाब से आपको जो है इनके आंसर लिख लेना है। चलिए अब आपकी इंग्लिश मीडियम में है, तो गई जल्दी से इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। अब आपके आ जाते हैं एक वाक्य शब्द में आंसर, तो वैसे यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है आपको छह नंबर के, चलिए फटाफट इनके आंसर आपको बता देते हैं। सो गई यार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो है बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी सॉल्व करके बताने वाले हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका शून्य अंकों की संख्या लिखिए, तो गाइस इस देख लीजिए जो ये आपको आकृति दी हुई है इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हुई चार हुई, यहाँ पर देख लीजिए पहला दूसरा यहाँ पर तीसरा और चौथा, तो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है चार लिख देना है। तो गाइस यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, मैथ में भी लिख सकते हैं, सो इस यहाँ पर शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है चार होती है, तो चार लिख देना। इसके बाद है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो गाइस क्या कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है, तो गाइस इसमें लिख देना बहुलक वर्ग, तो गाइस बहुलक वर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट तीसरा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो गाइस इसका एन पदों का सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा एस बटे टू, फिर इसका बड़ा कोष्टक लगा देना आपको, फिर लिख देना टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन, इस तरह भी लिख देते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देख लीजिए इतना आपको लिख देना है, सो एस एन बराबर एन बट्टे टू, तो इस इतना बड़े कोष्टक में लिख देना है इसका आंसर, ये आपका तीसरा हो जाता है। इसके बाद चौथा जाता है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, सो इस उन्नयन कोण की परिभाषा आप लिख लेना चार पांच लाइनों की है। इसके बाद आ जाता है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है स्पर्श बिंदु, तो गाइस यहाँ पर इस तरह आपको लिख देना है स्पर्श बिंदु। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से, छठवां का शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, तो गाइस यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्योंकि जो है सभी के हम आंसर बताएंगे और आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। सो गाइस शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा भी बराबर एक बटे फिर हो जाएगा थ्री एच पाई आर स्क्वायर, तो गाइस इतना लिख देना है आपको एक के बटे में, तो गाइस ये आपका शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। सो गाइस आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद आ जाते हैं अब आपका जो है इंग्लिश मीडियम में है एक वाक्य के, तो इसे रही इंग्लिश मीडियम में, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित के सत्य सत्य लिखे, चलिए सत्य सत्य लिख देते हैं जो कि छह नंबर के, देख लीजिए समांतर श्रेणी इतनी का दसवा पद माइनस 17 है, तो इसका जो हो जाएगा बिल्कुल सही है सत्य है, तो इस पहली का सत्य हो जाएगा। दूसरे में दूसरे का है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो वही ये आपका असत्य हो जाता है, बराबर नहीं होता, तो वही ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो वही ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका जो है चौथा अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की पावर 3 होगा, तो वही ये आपका असत्य हो जाएगा। जो है पहला सत्य आपका है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, इसके बाद पांचवा, पांचवा है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई इतनी, तो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो वैसे आपके सत्य सत्य जल्दी से फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वैसे आपके सत्य सत्य पूरे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके इंग्लिश मीडियम में, चलिए अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं फटाफट, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, तो इस पहले प्रश्न देख लेते हैं फिर इनके आंसर हम बता देंगे, देख लीजिए। ये आ जाता है आपका छठवां, 140 की आवाज गुणनखंडों के गुणन फल के रूप में व्यक्त करना है अथवा दिया हुआ, ये रहा आपका अथवा क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए छठवां क्वेश्चन का। इसके बाद आ जाता है सातवां, यहाँ पर देख लीजिए शून्यंक ज्ञात करना है, इसके बाद अथवा है बहुपद के गुणनफल ज्ञात कीजिए, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो वैसे आपका सातवां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका आठवां, तो वैसे रहा आपका आठवां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आठवां क्वेश्चन रहा और ये रहा इसका अथवा, तो वही जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है नौवां, तो गाइस ये रहा आपका नौवां क्वेश्चन, दिल्ली से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका नौवां क्वेश्चन। इसके बाद है आपका दसवां, दसवां देख लीजिए, ये रहा आपका दसवां क्वेश्चन, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है आपके सभी। इसके बाद दसवां का अथवा थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। इसके बाद है ग्यारहवां, देख लीजिए ये रहा ग्यारहवां, बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो गाइस यहाँ पर ये रहा इसका अथवा, तो गाइस ग्यारहवां दिल्ली से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बारहवां देख लीजिए, ये रहा बारहवां, इसका अथवा देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर है, तो वही ये रहा है इसका अथवा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है तेरहवां, देख लीजिए फटाफट, ये रहा आपका तेरहवां, तेरहवां क्वेश्चन, तो वही से यहाँ पर दो नंबर वाले हैं। इसके बाद है चौदहवां क्वेश्चन, ये भी आपका दो नंबर का क्वेश्चन है, तो वही फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद है पंद्रहवां क्वेश्चन, ये रहा आपका पंद्रहवां क्वेश्चन, तो वही से यहाँ पर ये रहा इसका अथवा, तो वही दो दो नंबर वाले अभी क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर सोलहवां भी आपका दो नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सत्रहवां भी आपका दो नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए, तो वैसे इनके जो आंसर है हम आपको वीडियो में बता देंगे। अभी आप क्वेश्चन देखते चलिए, तो वैसे अब आपके तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लीजिए। अठारहवां से आपका तीन नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए दर्शन है 3√2 अपरिमेयसम किया, इसके बाद ये रहा इसका अथवा। इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट, ये रहा इसका अथवा, तो कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 20वें का, तो वैसे अब 20वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, इसका अथवा देख लीजिए, तो वही पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका अथवा, तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा का। सो गाइस ये आपके अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा वो 23वां क्वेश्चन है, तो इसे रहा आपका 23वां क्वेश्चन। सो गाइस इसके बाद आ जाता है इसका अथवा, तो गाइस ये रहा इसका अथवा 23वां का, तो गाइस सो गाइस यहाँ पर पहले प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसका अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, हमने आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब आपके जो इनके आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी आप जल्दी से जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हमने कंप्लीट करा दिए उन्हें जल्दी से याद कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 से इनके आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, तो गाइस आप अभी जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्टों को पेपर भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।